हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, ये है जोदाना फोर्ट का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही शानदार सिनेमैटिक शॉट के साथ जोधपुर और जोधपुर म्यूजियम का वीडियो बनाया है, तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। और ये है पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे जोदाना म्यूजियम के हर एक चीज़ की जानकारी की। तो क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है, क्या क्या शॉट्स है, कुछ मज़े के साथ हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हमें बहुत सारे फोटो खींच लिए, अब हम अंदर जा रहे हैं। क्या है अंदर देखते हैं। तो ये बना गया है हाथी हुदा। तो ये हाथी पर जो लगने वाला हुदा था ना, वही है ये। तो गाइज, ये हुदा है ये भी, और ये अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर जो बने हैं ये कांच की कुछ स्लाइड लगाई गई है इन पर, और इनके ऊपर जो जैसे कि शादी समारोह में जहाँ पर भी जाते हैं तो ये एक छत्तर लगाया गया है। ये भी हाथी के ऊपर ही लगता था, काफी सुंदर है ये। इसके बाद एक और अलग आता है जहाँ पर ये सिंह का निशान बना हुआ है। यहीं पर दो सवारी हैं जो हाथी पर बैठ सकती हैं, और इसी के ऊपर भी यही छत्तर लगाया गया है। ये लोहे का बनाया गया है और काफी बड़ा है, दिखने में भी सुंदर है। और भी गाइस, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पौधे हैं वो बनाए गए। ये भी हाथी होता ही है, इसके ऊपर पूरा पूरा एकदम झोपड़ी की तरह यहाँ पर ये सजाया गया है, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो गाइस, हम प्रवेश कर रहे हैं पाल के खाने में, और इससे पहले हमारे भाई साहब है, इनको प्यास लगी है तो पहले इनको पानी पिला देते हैं। आपको यहाँ पर एक पालकी दिख रही है, ये एक भव्य पालकी है। एक्चुअली में ये गुजरात के एक सूबेदार थे, उनको यहाँ लाया गया था, तो इस पालकी में इन्होंने लाया गया था। इसका निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह है, उन्होंने ये बनवाई थी। ये जो उत्कर्ष कला है वो अपने गुजरात की कला है, वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। आप देख सकते हो कितनी शानदार है ये। यहाँ पर हुक्का रखा गया है, और इसका प्रचलन है वो भी काफी हमारे राजस्थान में है। ये इसमें तम्बाकू और कोयला है वो डालकर जलाया जाता था, और अक्सर ये सभा साठ में इसका उपयोग विशेष तौर पर किया जाता है। तो गाइस, सोगा क्या होता है आपको बता दूं कि ये हमारे सामने ये सोगा है, और ये अपने जो भी कपड़े उनके ऊपर जो राजा होते हैं वो पहनते थे। जिस प्रकार हम सूट पहनते हैं उसी प्रकार ये सोगा है वो महाराजा द्वारा पहना जाता था। ये जो अपने राजा साहब जो भी राजा होते थे, उनके जो कवर होते थे या फिर राजकुमार होते थे, उनको ये कपड़े हैं वो पहनाए जाते थे। ये शाही कपड़े हैं, एक्चुअली में ये बहुत ही महंगे होते थे उस समय। ये पोशाक है वहाँ की, देख सकते हो। ये मारवाड़ के शासक थे, उनको एक पसंदीदा एक अंकर का है ये महाराजा है, अपने दरबार में वो पहन कर जाया करते थे, आप देख सकते हो। और किस प्रकार पहनते थे आप इस तस्वीर में है वो देख सकते हो। ये इस प्रकार इस टाइप से इस अंगरखे को पहनते थे, आप देख सकते हो कितना बड़ा है यार।
गाइस देख सकते हो एक समय इस प्रकार के जो ताले थे वो चलते थे, ये मैन पॉल होती है उन पर लगाए जाते थे, और ये ताला है वो किसी अपने रूम है वहाँ पर लगाया जाता था विशेष तौर पर। ये बड़ी अजीब चीज है, ये तो बड़ी पॉल होती है, टूटने में भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से ये टूटता है। इसको इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है और वो भी ताला है, और ये भी एक बड़ा लॉक है। ये पॉल के जो किवाड़ होते हैं उन पर लगाया जाता है, और ये इसकी साबी है खोलने के लिए। अजीब बात, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी मारवाड़ के शासक थे उनको द्वारा प्रचलन किया गया ये सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं वो देख सकते हो आप पर, तो क्या क्या अक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं ये तो मैं पता नहीं, कौन कौन से इन राजाओं ने ये सिक्के हैं वो प्रचलन किए थे, और ये आप देख रहे हैं मारवाड़। तो सामने देख सकते हो ये सारे जो भी शासक थे वो जोधपुर पर यहाँ पर इस मेहरानगढ़ फोर्ट पर इन्होंने शासन किया है, और ये आप देख सकते हो। फूल महल जो महाराजा अभय सिंह है उन्होंने ये बनाया था, इसको फूल महल कहने का मेन रीजन यही है कि इस पर फूल और पत्तियों की मीनाकारी वो की गई है, और यहाँ पर कुल देवी, विभिन्न राजकुमारों और भी बहुत सारी यहाँ पर चित्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये सामने जो गद्दे वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पर जो भी राजकुमार है वो यहाँ पर बैठते थे, और यहीं पर जो घर के आपसी मामलों की सभाएं हैं वो यहाँ पर होती थी। ये यहाँ पर फोर्ट के सबसे ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लोहे की है, काफी पुरानी भी है, देख सकते हो आप, ये डिजाइन भी काफी बेहतरीन है। तो गाइज एक झलक जोधपुर की यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी थोड़ी देर बाद में हम इस तोपों के पास भी जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको बताएंगे।